दुनिया के इकलौते महाशक्ति अमेरिका में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां न सिर्फ लोगों की बड़े पैमाने पर जान जा रही है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो रहा है। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। चुनावी साल में कोविड 19 की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पैदा किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब वो चीन के खिलाफ कोरोना को लेकर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी हमला बोला। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि WHO को शर्म आनी चाहिए कि वो चीन के प्रचार प्रसार का काम कर रहा है। बिल्कुल मेरे पास सबूत है, ये नहीं पता कि चीन से ऐसा गलती से हुआ या जानबूझकर, या फिर किसी ने कोई लक्ष्य को साधने के लिए ऐसा किया। मुझे लगता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को शर्म आनी चाहिए कि वो चीन के प्रचार प्रसार का काम कर रहा है। WHO चीन के पब्लिक रिलेशन की तरह काम कर रहा है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लोगों को वुहान से बाहर बाकी चीन में आने की अनुमति नहीं थी लेकिन पूरी दुनिया में जाने की अनुमति थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये बहुत कठिन सवाल है और इसका जवाब मिलना बाकी है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के सारे आरोपों को चीन ने खारिज कर दिया है। चीन का कहना है कि उसके ऊपर लग रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चीन ने हर वो कदम उठाया जो उठा सकता था। वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं ताकि ये पुख्ता तौर पर पता लगाया जा सके कि वायरस किसी जानवर से आया है या किसी लैब का बनाया हुआ है। यहां ट्रंप कुछ यूं फंसते नजर आ रहे क्योंकि जहां एक तरफ वो चीन पर जानलेवा वायरस बनाने का आरोप लगा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ US की इंटेलिजेंस एजेंसीज ट्रंप की बात काटती हुई नजर आ रही है।